किसी ने क्या खूब कहा है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को कभी मत कोसो, अपनी जिंदगी में हर हाल में जीना सीखो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एम्स ने एक प्रोस्पेक्ट जारी किया है, एम्स ने अलग से ये बताया कि हमारे से अगर आप MBBS करना चाहते हो, मतलब एम्स मेडिकल कॉलेज से अगर आप MBBS करना चाहते हो तो कुछ क्राइटेरिया है जो नीट की जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस है बाकी उनसे मैच करता हुआ है, लेकिन एम्स का कुछ तो, क्योंकि एम्स यार एक बड़ा ग्रुप है और बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज रखता है, अच्छी क्वालिटी की मेडिकल कॉलेज रखता है, तो कुछ ना कुछ तो वो स्पेशलिटी देगा ही आपको, पूछेगा आपसे। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि प्रोस्पेक्ट में क्या बताया कि इलिजिबिलिटी वही सेम है, एज से रिलेटेड जो इलिजिबिलिटी की बात करता हूँ वो जो नीट की अदर मेडिकल कॉलेज मिलेगी, अदर MBBS कॉलेज मिलेगी उसके जैसा ही है, 17 ईयर वहां पे और 17 ईयर ही यहाँ पे है। और साथ में ये भी आपको पता ही है कि जो नीट का स्कोर है और कॉमन काउंसलिंग, मतलब ऑल मेडिकल कॉलेज, एम्स मेडिकल कॉलेज सबकी कॉमन काउंसलिंग चल रही है, तो कॉमन काउंसलिंग में यही कंडीशन है, 17 ईयर होने चाहिए कैंडिडेट की। कब तो आपको ये आइडिया लगाना कि आपका जन्म या तो 31 दिसंबर 2006 को हुआ हो या फिर उससे पहले हुआ हो, तब आप एम्स के लिए इलिजिबल माने जाओगे या फिर अदर MBBS मेडिकल कॉलेज के लिए भी इलिजिबल माने जाओगे। फिर बोलता है कि असेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन के बेस पे ये बोलते हैं भाई 12th पास तो होना चाहिए, 10th पास बच्चा एम्स में नहीं जा सकता। अगर 12th पास मतलब 10+2 का स्कीम या फिर 12th पास, और 12th पास किसके साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर मेरी तरह आप फिजिक्स केमिस्ट्री एडिशनल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी हो सकते हो, तब भी आप एम्स में MBBS कर सकते हो। साथ में क्या होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट आपके साथ में होना चाहिए, इन तीनों सब्जेक्ट के साथ में क्या होना चाहिए, इंग्लिश भी होना चाहिए, ये आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। परसेंटेज की भी बात है, परसेंटेज ये है कि 12th में आपके परसेंटेज जनरल या OBC EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 60% आपके 12th में होने चाहिए एग्रीगेट, SC ST में हो तो 50% और PWD कैंडिडेट हो तो 45% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, इससे कम मार्क अगर आपके है तो आप एम्स में एडमिशन लेने लायक नहीं हो, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है, उस पर जाके आप विजिट कर सकते हो, सेम टू सेम डॉक्यूमेंट्स ये होंगे। और लास्ट में मैंने बात करी है कि जो OBC और EWS का सर्टिफिकेट भी मांगते हैं तो वो सर्टिफिकेट कब से बना होना चाहिए, कब बना होना चाहिए, तो बोलता है कि वो इश्यूड होना चाहिए 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 से वो बना होना चाहिए, इससे पहले का नहीं चलेगा, इसके बाद में और जो फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग होगी ना मेडिकल कॉलेज की उस डेट तक वो वैलिड है। अगर फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग के बाद में अगर आप OBC या EWS सर्टिफिकेट बनाते हो तो वो वैलिड नहीं है, तो EWS या फिर OBC दोनों केस में सेम डेट है, 1 अप्रैल 2022 से बाद में बना होना चाहिए, पहले बना हुआ तो नहीं चलेगा ये यहां से, और इसके बाद में वो फर्स्ट राउंड की जो रिपोर्टिंग हो रही है उसकी लास्ट डेट तक अगर आपके पास में EWS का सर्टिफिकेट बन के आ गया तो वो चलेगा, काउंसलिंग में चलेगा, इससे पहले का नहीं चलेगा, ये बातें हैं। तो एम्स का कुछ यही क्राइटेरिया है, तो एम्स में अगर आप जाना चाहते हो तो ये आप पढ़ लोगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मेन चीज है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास में सारे के सारे होने चाहिए, अगर नहीं है तो फटाफट से बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।